हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। तो आज की वीडियो आप थंबनेल देख के आए होंगे कि सादा मशीन से पीको कैसे करें, वो भी एक फुट पायर की मदद से। तो गाइस, उस वही वीडियो हम बनाने वाले हैं और वही दिखाने वाले हैं आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और बिल्कुल जो भी होगा सही से बताएंगे आपको। बस आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और इसका कमाल देखें। ये है हमारे पास फुट पायर जो कि पीको मशीन का है। तो गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को, तो फ्रेंड्स ध्यान दें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। आप लोगों से गुजारिश है, स्किप करके ना देखें। हम आपको सादा मशीन से और पीको करके दिखाएंगे, पीको होती है या नहीं होती है, क्या होगा इससे, सारा कुछ करके दिखाएंगे हम आपको। तो बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपकी कोई अगर प्रॉब्लम है सिलाई मशीन से रिलेटेड, पीको मशीन से रिलेटेड, बड़ी मशीन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करें, हम आपको वीडियो बनाकर जरूर। हमारे पास आशा कंपनी की मशीन, आपकी कोई भी कंपनी हो सकती है, चाहे आशा हो, चाहे उषा हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे सीमा हो, चाहे बजाज की हो, कोई भी हो, ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं करता। बस आपको बताने वाले हैं, तो चलिए हम आज दिखाने वाले हैं। ध्यान रखें कि ये वाला जो फुटपैर आता है, ये वाला हमारा छोटी मशीन में लगेगा। ये हमारे पास छोटी मशीन है, बड़ी मशीन के लिए ये वाला फुटपैर नहीं आता है। बड़ी मशीन के लिए दूसरा आता होगा, तो वो मेरे पास अभी है नहीं। पीको मशीन है मेरे पास, तो पीको मशीन का फुट पैर हम सादा मशीन में लगा के और पीको करके दिखाएंगे। लेकिन अब ये देखना है आपको कि पीको होती है या नहीं होती है, या वैसे ही बताते हैं लोग बाग, ऐसा ही हमने सोचा कि हाँ आपको हम सही बिल्कुल बताएं कि पीको होगी या नहीं होगी। तो चलिए, हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, पेचकस तो है ही मेरे पास, आपके पास भी पेचकस होना चाहिए, और इस फुट पैर को निकाल के बाहर कर लेते हैं, तभी इसमें सही से जानकारी लगाकर ही हम आपको देंगे एकदम प्रैक्टिकली। तो चलिए, आपको सबसे पहले इसे खोल लेना है। ध्यान रखें, पेचकस तो होना ही चाहिए आपके पास, तभी आप फुट पैर लगा सकते हैं। और ये कितने का मिलेगा ये भी आपको हम बताएँगे, और कहाँ मिलेगा ये भी बताएंगे, और कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो चलिए, हमने सबसे पहले इसे खोल दिया, देख सकते हैं काफ़ी मोटा है, ये काफ़ी पतला है, तो ऐसे ही आते हैं फुट पैर। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम लगा लेंगे, इसे हटा देते हैं और इसे लगा लेते हैं। अगर इसे हम बड़ी मशीन में लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम ज़रूर बताएंगे कि बड़ी मशीन अगर आपके पास है और आपके पास फुट पैर यही वाला है तो आप कैसे लगाएं, तो उसका तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा जो साइड वाला डंडा होता है, ये वाला डंडा होता है, उसे ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तभी तभी ये सब कुछ सेटिंग हो पाएगी। तो चलिए, उसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले आपके पास ये वाला फुट पैर ज़रूर होगा, तो हम आपको दिखाएंगे अभी कि अच्छे से पहले टाइट कर लें इसे, ताकि हमारा सही से वर्क ये करे। ध्यान रखें ये सुई ना टकराएगा, सुई जिसमें टकराने लगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला और पीको नहीं होने वाली है। तो चलिए, धागा डाल लेते हैं मशीन में। तो ध्यान रखें, धागा जैसे हमें पीको में, जैसे हम सादा सिंपल धागा डालते हैं, वैसे ही हमें इसमें भी धागा डालना है। इस तरीके से डाल लें धागा, और इस तरीके से लबलबी में भी धागा डाल लें। आज हम आपको दिखाएंगे कि पीको ऐसे सादा मशीन से पीको होती है या नहीं होती है, होती है तो कैसी होती है। चलिए, इस तरीके से डाल लें, इस तरीके से धागा हमारा ऊपर आ गया, देख सकते हैं ये हमारा धागा ऊपर आ गया। तो चलिए, अब हम चेक करके देखते हैं, तो कोई कपड़ा ले लेते हैं अच्छा सा। तो ध्यान से देखें, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, काफ़ी अच्छी अच्छी सेटिंग हम लाते रहते हैं सिलाई से संबंधित। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, चलाकर देखते हैं कि हमारी मशीन पीको कर रही है नहीं कर रही है। तो इस तरीके से हमें लगाना पड़ता है पीको में, पीको में हमें इस तरीके से कपड़े को फंसाना पड़ता है, तो इसमें भी हमें इसी तरीके से फंसाएंगे। और कपड़ा, इस बूट का काम क्या है, कपड़े को फोल्ड करना है। ध्यान रखें, कपड़े को फोल्ड करना है। और पीको कैसे होगी तो वो भी हम आपको बताते हैं कि पीको में जो सेटिंग होती है, तो उसमें एक यहाँ पर, एक यहाँ पर घड़ी लगी हुई होती है, यहाँ पर आपने देखा होगा पीको,
मशीन को तो घड़ी लगी हुई होती है, तो उसी की सेटिंग से हमारी ये सुई इस साइड इस साइड इस साइड साइड इस साइड गिरती है, ऐसे ही गिरती है। तो अब इसमें तो ऐसी सेटिंग है नहीं, इसमें अगर हम चलाएंगे इस साइड साइड हो नहीं रही है तो भाई पी को फिर कौन से तरीके से होगी। लेकिन हाँ, एक ख़ास वजह ज़रूर है कि अगर आप सिलाई करते हैं तो आपको इतनी पतली फोल्ड आप हाथों से नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखें ये इतनी इतनी पतली फोल्ड आप हाथों से कभी नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाता है। तो अगर आपको अगर फोल्ड करनी है, अगर पीको नहीं है, तो आप बिल्कुल जो लाइलोन वाला धागा आता है, पीको वाला धागा आता है, अगर उस धागे को लगाकर और इससे अगर इतनी पतली फोल्ड कर लेंगे तो आपकी पीको फेल हो जाएगी, यानी कि पीको की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसी से कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं जब ने पीको से किया है, देख सकते हैं ये पीको वाला सिस्टम है, तो पीको वाली मशीन है मेरे पास, तो पीको से हमने ये करके दिखाया है, देख सकते हैं पीको से हमारी कढ़ाई भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप इस तरीके का फुटपर ले लें और इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर लें, कोई भी फ्रॉक सूट वगैरह कुछ भी बनाए तो उसे फोल्ड कर सकते हैं आसानी से, और आसानी से आप अपनी मतलब 2 घंटे का काम और आधा घंटे में निपटा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होगी और आपको सारा कुछ समझ में भी आ गया। चलिए तो हम इसके प्राइस बता देते हैं, ये कितने का मिलता है और कहां पर मिलेगा। चलिए इसे निकाल के बाहर कर लेते हैं। तो ये कहां मिलेगा, तो जहां पर हम लोग सिलाई की मशीन खरीदते हैं, देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितनी पतली बढ़िया मोड़ हुई है इसकी। तो अगर इसे परचेज़ करना है तो ऑनलाइन करेंगे तो कम से कम आपको 100 रुपये से ऊपर ही मिलेगा, कम का नहीं मिलेगा, 100 से ऊपर का। वैसे अगर ऑफलाइन लेंगे तो 80 रुपये के समथिंग आ जाता है, लेकिन ऑनलाइन फिर पता नहीं 100 क्या 200 तक का हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन की बात ही अलग है। तो आप लोग जहाँ से मशीन ख़रीदते हैं पीको वाली, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसके साथ साथ धागा जहाँ पर मशीन रिपेयरिंग होती है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। हम तो लेके आए थे 80 रुपये का हमें मिला था, आप लोग को शायद महंगा मिले क्योंकि हम 1 साल 2 साल पहले लेके आए थे, इसे अभी भी चल रहा है। रालसन कंपनी का आप ऑनलाइन भी सर्च करके देख लें, ये देख सकते हैं रालसन कंपनी का ये है बूट। चलिए आपको पास से दिखाते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, रालसन RALSON रालसन कंपनी का ये फुटपायर है। तो आप ऑनलाइन इसे परचेज ट्राई करके देख लें, चेक करके देख लें प्राइस क्या है फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी पर, रालसन फुटपायर पीको वाला, तो ये ले लें तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सिलाई करने में। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने लाइक ज़रूर किया होगा। अगर नहीं लाइक किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई समस्या है तो बस हमें कमेंट करें, हम हमेशा हाजिर रहते हैं आपके लिए। बस आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।